भाई साहब जी, क्या इनिंग्स के लिए सऊद शकील ने भाई। हेलो तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के टेस्ट मैच के बारे में। भाई मतलब क्या किया सऊद शकील ने भाई। श्रीलंकन टीम ने मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। 101 पे पाकिस्तान के 5 आउट हो चुके थे। उनको लग रहा था वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, वो गेम पूरा उनके हाथ में। सऊद शकील ने भाई पीछे से पकड़ा, उसने खींचा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम लोग ऑटो। सऊद शकील और आगा सलमान ने बहुत तगड़ी पार्टनर जमाई। आगा सलमान 83 रन की इनिंग खेली और आगा सलमान आउट हो गया। बट सऊद शकील तो भाई आउट ही नहीं हुआ। मतलब श्रीलंकन बॉलर्स कुछ उखाड़ ही नहीं पाया सऊद शकील का। तो शकील डंग 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 भाई। सऊद शकील जो बैटिंग किया ना सऊद शकील ने, क्रेजी। 208 रन की इनिंग खेली सऊद शकील ने, नॉट आउट। और इसकी इनिंग में सबसे बड़ा भाई, बहुत बड़ा आ जाता है, नसीम शाह को भाई। नसीम शाह दूसरा मिसबाह उलक इज बैक गाइस। नसीम शाह ने लिटरली 78 बॉल्स खेली है भाई, टुक 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 टुक, और सिर्फ पता कितने रन बनाए, 6 रन। लिटरली 78 बॉल पे 6 रन बनाए भाई, टुक 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 टुक। ऐसा लग रहा है घर में वो नहीं तो वन टिप खेलते हैं, वो खेल रहा था भाई, टुक 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 भाई। लेकिन नसीम शाह ने बहुत अच्छी मतलब स्टैंड दिया सऊद शकील के, जिस तरह मतलब पार्टनर जमा गया कि आउट, उसने आउट नहीं हुआ। लेकिन ऐसे क्रूशल मोमेंट पे आउट हुआ वो, जब सऊद शकील था 197 पे। अब 9 विकेटें गिर गई थी, सऊद शकील 197 पे था। अबरार शुक्र है, ओवर की आखिरी बॉल थी, अबरार अहमद ने आके टुक करी। अगले ओवर में सऊद शकील ने चौका मार के अपनी 200 कंप्लीट कर ली। और सऊद शकील अभी फिलहाल लीडिंग रन स्कोरर है। जैसे 11 सऊद शकील ने अभी 11 इनिंग्स खेले टोटल, मतलब टोटल अपने कैरियर में। तो सऊद शकील ने तकरीबन 788 रन बनाए, और ये अभी तक किसी पाकिस्तानी बैटर ने जो 11 इनिंग्स के बाद बनाए, सबसे हाईएस्ट रन है। लेकिन जो श्रीलंकन टीम का स्कैम करा है सऊद शकील ने भाई, सऊद शकील ओपी इन द चैट गए। सऊद शकील ओपी इन द चैट लगा दो। इसके अलावा भाई श्रीलंका की बैटिंग दोबारा स्टार्ट हुई, सेकेंड इनिंग शुरू हुई, स्टार्ट अच्छा लिया निशंका ने 50 की। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर लीड बदल थी तो श्रीलंकन टीम आउट हो गई। जडेजा सिल्वा ने दोबारा 6 इनिंग 82 रन की इनिंग खेली, पहले में 122 की, दूसरे में 82 की। लेकिन बेचारे की दोनों दफा मेहनत मोस्टली अब रायगढ़ जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन अभी 80 या 90 रन चाहिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा ट्रबल हो गया था आज भाई। बैटिंग आई है 48 रन पे 3 आउट हो गए स्टम्प्स पे भाई। 48 पे 3 आउट क्या हो रहा है? नुमान अली को भेजा उन्होंने बैटिंग के लिए, नुमान अली रन आउट होगा, टेस्ट में रन आउट हो रहे भाई। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर ने सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग कराई है नुमान अली ने भाई, जो उसका बॉल स्पिन हुआ है अबरार अहमद, तो भाई क्रेजी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और भाई पाकिस्तान इज इन कंट्रोल ऑफ द मैच। पाकिस्तान मोस्टली ये गेम निकाल लेगा ईजिली। अब दूसरी तरफ चल रहा है एशेज। एशेज का आज चौथा टेस्ट शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग है और ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बनाए भाई, 8 विकेटें गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की, और आज का दिन स्टम्प्स हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम मतलब किसी भी प्लेयर ने बहुत बड़ी इनिंग खेली, सब 50 55 से ऊपर कोई नहीं गया, लेकिन सब ने थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जो कि भाई अगर ऐसी हमारी पाकिस्तान टीम भी हो जाए ना भाई, सारे वर्ल्ड कप, सारे एशिया कप, सारे हमारे भाई, सब जीत कर आएंगे हम। लेकिन एशिया कप से याद आया भाई, ACC इमर्जिंग एशिया कप में आज हमारा मैच था इंडिया से और हम लोग मैच हार गए। यस गाइस, 208 रन पे हमारी ऑल टीम आउट हो गई, और इंडिया ने बासानी भाई 2 विकेटों पे वो चेस कर लिया। पाकिस्तान शाहिंद आज पूरी तरह फेल हो गए, नेपाल से जीत गए, UAE से जीत गए, बड़ा खुश हो गए, लेकिन इंडिया से हार गए। और अब फ्राइडे को सेमीफाइनल है श्रीलंका के खिलाफ, तो मुझे उम्मीद तो है कि श्रीलंका से सेमीफाइनल जीत के ये फाइनल में जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो फाइनल में जाएं और इंडिया से फिर से हार के घर आ जाएं। इसके अलावा एक और अच्छी बात जो है वो एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है। यस गाइस, एशिया कप 2023 जो प्रॉपर होता है उसका शेड्यूल आ चुका है। लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा दुख है भाई, जो पाकिस्तान में मैचेस होने ना, वो लाहौर और मुल्तान में, कराची में कोई मैच नहीं है, यानी कि हम मैच देखने नहीं जा सकते। खैर लाहौर और मुल्तान वाले इन्जॉय करेंगे, एंड आई होप भाई कि एशिया कप इस दफ़ा हम लेकर आए। तो गाइज
मैं आपको अपडेट और शेयर करता रहूँ क्रिकेट के बारे में। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।